वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा जी व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत इजी हेयर स्टाइल शेयर करने वाली हूँ, जो कि है चोटी हेयर स्टाइल, बहुत इजी टेक्निक से साथ। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी व्यूअर्स, हम लोगों ने फ्रंट हेयर स्टाइल नहीं बनाना, हम लोगों ने बैक पे बनाना है, ठीक है। आज हमारा हेयर स्टाइल जो है वो बैक पर होगा, जो कि चोटी स्टाइल है, फुल फ्रेंच जो होती है, रिच ब्रेड मैं वो बनाऊंगी और बहुत इजी है, जो कि आप लोग बहुत इजीली सीख भी सकते हैं। देखें, आप लोगों ने सिर्फ टेक्निक्स को फॉलो करना है कि किस तरीके से मैं हेयर्स को अच्छे से जो है टाइटली उसको जो है ब्रेड बना रही हूँ, उस चीज़ पे आपने फोकस करना है। बैक साइड पर आपने सारे हेयर्स को जो है बैक साइड पर करना है, ठीक है, इस तरीके से। और ये देखें आप, ठीक है, मैंने फ्रंट पर जो है थोड़े से हेयर्स छोड़े हैं ताकि हमारे फ्रंट पर थोड़ी सी सॉफ्टनेस रहे, ठीक है, बहुत ज़्यादा हमने टाइट नहीं किया, ठीक है। ये देखें, इस तरीके से आपने लेके आना है बैक साइड पे। देन आपने क्या करना है, यहाँ से आपने ये वाला सेक्शन लेना है, ठीक है। इसमें ये सेक्शन ले लिया आपने, इसमें आपने सेक्शन लेने के बाद लाइट सा बैक कॉम करना है, ठीक है। ये देखें, इतना सा आपने जो है इसमें बैक कॉम करना है। इससे क्या होगा, यहाँ पे हमारी थोड़ी सी जो है वॉल्यूम आएगा जब हम ब्रेड बनाएंगे, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा बैठा हुआ हेयर स्टाइल हमारा नहीं होगा, ठीक है। ये बहुत इजी और बहुत स्टाइलिश जो है लुक देता है, मोस्टली ये मायो लुक के लिए बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। आपने क्या करना है, ये डच ब्रेड है, ठीक है, आपने क्या करना है, आपने थ्री सेक्शंस करने हैं इस तरीके से, और आपने फर्स्ट वाले सेक्शन को थर्ड वाले सेक्शन के साथ एडजस्ट करना है। बट हम जब हम सिंपल फ्रेंच बनाते हैं तो हम ऊपर से इसको एडजस्ट करते हैं, अब हम डच ब्रेड बना रहे हैं तो हमने नीचे से इसकी एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है। फिंगर्स की एडजस्टमेंट आपकी ऐसी होनी चाहिए, आपने इसको यहाँ से इसको ऐसे करना है पिक, ठीक है, इस तरीके से। ये देख सकती हैं मैं किस तरीके से ले रही हूँ, बहुत ईजी है। जस्ट आप फोकस करें फिंगर्स की एडजस्टमेंट पर, ठीक है, इस तरीके से आपने लेते जाना है। और ये देखें, मैं इसको थंब की हेल्प से इसको अंदर से टाइटली पकड़ी हुई हूँ, ठीक है। आपने इसको अच्छे से इसके साथ मैच करते जाना है लाइन टू लाइन। ये देखें, आपने इस तरीके से लेकर आना है, ठीक है, फिनिशिंग के साथ बनाना है। जितनी फिनिशिंग होती है उतना नीट हमारा वर्क लगता है और उतना नीट हमारा हेयर स्टाइल लग रहा होता है, ठीक है। इस तरीके से आपने लाइन टू लाइन देते जाना है। ये देखें मेरी फिक्सिंग, जस्ट आप फोकस करिए फिक्सिंग पर, कितना ज़्यादा फिक्स मैंने हेयर स्टाइल को किया हुआ है, और उस पर फिनिशिंग आप देख सकते हैं कितनी आ रही है, ठीक है। लाइन टू लाइन आप लेते जाएं। और ये देखें, हम कलर होता है हेयर्स में तो और हमारा हेयर स्टाइल इन्हेंस होता है, उससे हमारे स्टाइल में जो है बहुत ज़्यादा जो है इन्हेंस हमारा हेयर स्टाइल होता है, तो वो अच्छा लगता है, ठीक है। इस तरीके से आपने लेते जाना लाइन टू लाइन, ये इस तरीके से आप देखें लाइन टू लाइन लेते जाएँ। इसका लुक आप देख सकते हैं कितना अच्छा आ रहा है, ठीक है। ये देखें, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने इसको लाइट सा लूज़ करना है साथ साथ, ठीक है। और ये देखें, साथ साथ सुलझाते जाएं हेयर्स को ताकि नीचे से हमारी नॉट ना बने, ठीक है। आपने इस तरीके से इसको बनाना है, ठीक है, इस तरीके से आपने इसको एडजस्ट करना है। अब आप ये देखें, अब आपने इसको ला के यहाँ पर सिंपल ब्रेड आपने कंप्लीट करनी है जस्ट, ठीक है। ये देखें, अब आपने इसको डाउन साइड पे पूरा इसको कंप्लीट करना है। देन आपने क्या करना है, इसको लाइट लाइट इस तरीके से आपने इसको लूज़ करते जाना है, मैसी करते जाना है, ठीक है। ये देखें इसका लुक, ये बहुत इजी और बहुत स्टाइलिश चोटी है, जो कि मायो लुक में, मेहंदी लुक में आप बनाएंगे तो आप लोग को बहुत पसंद आएगा। और ये बहुत ईजी है, जस्ट आपने फिंगर्स को बहुत अच्छे से फिक्स करना है, जितना आप अच्छे से फिंगर्स को फिक्स करेंगी उतना अच्छा आपका हेयर स्टाइल जो है वो बनेगा, ठीक है। ये देखें आप, ठीक है, जो इनके बेबी हेयर्स हैं उसको हम विजिबल से भी सेट कर सकते हैं, इस तरीके से आपने इसको लेके आना है। और ये देखें, हमारी ये डन हो चुकी है। अब हमने डाउन साइड पर भी जो बैलेंस नहीं है उसको बैलेंस करना है। हमारा फ्रंट और बैक दोनों जो है डन हो चुका है। मेरे पास मैंने जो फ्रंट पे छोटे से कर्ल्स छोड़े थे उसको मैंने जो है कर्ल्स कर दिए, इस तरीके से आप कर्ल कर लें। और बैक से आप देख सकते हैं हमारा हेयर स्टाइल ऑलमोस्ट डन हो चुका है। इसका लुक फ्रंट से आप बैक तक पूरा डाउन साइड पे देख सकते हैं कितना अच्छा आ रहा है। आज का मेरा हेयर स्टाइल आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह न्यू लुक के साथ दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।